अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता बदल सकती है। अगर उन्होंने यहाँ कोई सरकार बनाई तो वो लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि हाल ही में सत्ता से बेदखल हुई शेख हसीना का है। शेख हसीना एक साल पहले यानी अप्रैल 2023 में ये बयान दिया था और 5 अगस्त 2024 को उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। इस खबर के दो पहलू हैं। पहला, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संबंध कैसे हैं? दूसरा, छात्रों के विरोध प्रदर्शन में अमेरिका का हस्तक्षेप है या नहीं? शुरू से शुरू करते हैं। बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ एक आंदोलन कैसे हिंसक हो गया, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहे और विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के तौर पर काम कर चुके पूर्व आईएफएस अधिकारी हर्ष श्रृंखला ने बड़ा बयान दिया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के उग्र होने को लेकर उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में छात्रों की शिकायतों की वास्तविक अभिव्यक्ति थी। उनकी मूल मांग बांग्लादेश के युवाओं के लिए समान अवसर थी, वो यही युवाओं के लिए चाहते थे। इस मांग को लेकर सरकार ने पहले जब स्वीकार लिया था, उसके बाद अदालत ने इसकी सहमति व्यक्त की, उस कारण से प्रदर्शन और फिर विरोध शुरू हुआ। बाद में मुझे लगता है कि मांग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की ओर बढ़ गई और उस समय मुझे लगता है कि आंदोलन में अन्य तत्वों की घुसपैठ हुई, जिसमें जमात अल इस्लामिया भी शामिल है, जो एक पाकिस्तानी समर्थक समूह है जिसने 1971 में भी पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, अमेरिका की एंट्री कैसे हुई। शेख हसीना के इस्तीफा देने के 3 दिन बाद बांग्लादेश में गुरुवार को अंतरिम सरकार बनी। सेना ने इस सरकार को एडवाइजरी काउंसिल नाम दिया। नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस को इसका चीफ बनाया गया। ये वही मोहम्मद यूनुस है जिस पर शेख हसीना विदेशी एजेंट होने का आरोप लगाती रही हैं। यूनुस के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने हसीना के तख्तापलट में कोई भूमिका निभाई है। इसकी वजह जान लीजिए जो कुछ इस तरफ इशारा करती हैं। दरअसल जून 2021 में बांग्ला अखबारों में दावा किया कि अमेरिका बांग्लादेश से सटे मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है, यहाँ मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसके बाद बांग्लादेश वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष राशिद खान मेनन ने संसद में कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप हासिल करना चाहता है और क्वाड का मेंबर बनने के लिए दबाव बना रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप जिसे लेकर बांग्लादेश की राजनीति में इतना हंगामा मचा है, वो सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर की एक द्वीप है। जून 2023 को पीएम शेख हसीना ने कहा था कि विपक्षी बीएनपी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो सेंट मार्टिन बेच देगी। 26 मई 2024 को शेख हसीना ने 14 पार्टियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें हसीना ने क्या कहा था वो सुनने लायक है। बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमूर जैसा ईसाई देश बनाने की साजिश रच रहा है। एक व्हाइट मैन ने मुझे चुनाव से पहले ये ऑफर दिया था कि यदि वो अपने देश की सीमा पर आर्मी बेस बनाने की अनुमति देती हैं, तो बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने दिया जाएगा। 2023 में अमेरिका ने बांग्लादेश के कई नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने तर्क दिया था कि बांग्लादेश में चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर करने वाले हर शख्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरी वजह है कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले ऐसी खबरें आम थी कि अमेरिकी अधिकारी विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। वो कट्टरपंथी संगठन जमाते अल इस्लामिया पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे थे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति में अमेरिका का हाथ हो सकता है। अब तीसरी वजह है, रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सरकार बदलने से अमेरिका को फायदा हो सकता है। मोहम्मद यूनुस पश्चिमी देशों से जुड़े रहे हैं, वो काफी काम कर चुके हैं, अमेरिका सिस्टम को काफी फेमिलियर हैं उस अमेरिकी सिस्टम से, वो अमेरिकी हितों पर ध्यान दे सकते हैं। यदि उन्हें अमेरिका का समर्थन मिल रहा होगा तो ये बहुत आश्चर्यचकित नहीं होगा। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे NVTV ऑनलाइन के साथ।